गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज सुबह ही हम 7:30-8 बजे उठ गए थे, क्योंकि रात को भी बहुत लेट सोए थे। तो अब उठ के सब तैयार हो गए। चीना भी देखो, चीना का सामान ही गिर गया। टूटा तो नहीं। चीना भी तैयार हो गई। चीना ने पहना है व्हाइट कोट सेट और मैंने पहना है ब्लैक कोट सेट। दोनों ने बिल्कुल अपोजिट पहना है एक दूसरे से। तो वो लाइनर वगैरह लगा रही, तैयार हो रही है। नीचे करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है वो नीचे ही इंक्लूड होता है। तो ब्रेकफास्ट करके हम चले जाएंगे घूमने के लिए। हमने कैब कर रखी है, टैक्सी कर रखी है, जो सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ ही रहेगी। तो वो हर जगह घुमाएगी हमें। अब देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं, जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ वहाँ गाइज आपको दिखाएंगे। चलते हैं नीचे। ब्रेकफास्ट है, आज का दिन अच्छा और यूजफुल है। हाँ, आज सुबह से लेकर रात तक आराम से घूमेंगे। रात को बहुत मज़ा आया था गाइज, जुहू में जाके बहुत मज़ा आया था। जुहू बीच में जाके तो बहुत मज़ा आया था। अभी अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था कि आंटी मैं मुंबई में रहता हूँ, तो जुहू भाई वहाँ पर जुहू बीच पे आ जाओ तो मुझे मिलोगे। मैंने उसको यही मैसेज किया है कि हम तो रात को हो आए हैं, आज हम कैब कर रहे हैं, तो कैब करके कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ लेके जाएगा कैब वाला। वो भी वैसे ही लेके जाएगा ना जहाँ उसे सही लगेगा। तो देखो शाम तक हम रात तक वापसी आएंगे, फिर देखते हैं रात का क्या प्रोग्राम है। बस हम लोग नीचे आ चुके हैं, सारा ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, फ्रूट्स वगैरह हैं, जूस है, बहुत कुछ है। पर मैंने खा ली अभी इडली और सांभर लिए है, चीना नहीं लिए है, आलू और पूरी। इडली इडली खा के देख ले चीना, बहुत कुछ है। एग्स वगैरह है, एग्स हम खाते नहीं हैं, तो स्टोन्स वगैरह भी है, वो भी ठहर के ले लेंगे। आलू पूरी बहुत कुछ है। नहीं, हमसे इतना खाने की आदत नहीं है ना। मैंने अपना नींबू पानी बनवा लिया है। नींबू पानी, मैं चाय लूँगी। बस ब्रेकफास्ट करके अभी अभी आया ऊपर। हमने कहा चल थोड़ा सी दवाई वगैरह भी मैंने खानी थी, बीपी की, शुगर की भी मैं भूल गई। तो मैंने कहा सारी दवाइयाँ खा के चलते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चीना भी अपने बैग वैग बंद कर रही है, तो एक हैंड बैग तो लेके जाऊंगी, साथ में दवाइयाँ होगी, कई चीज़ें होगी, तो ये तो चाहिए, क्योंकि हम शाम को आएंगे, रात को आएंगे या शाम को आएंगे, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए साथ में। चार्जर वगैरह ले लूँगी, दवाइयाँ ले लूँगी, थोड़ा छोटा मोटा सामान रख लेंगे साथ ही। बस जाने की तैयारी हो गई है, पीहू ठीक नहीं है, तो इसके लिए दवाई लेके आए हैं, जुकाम हो गया है। दवाई लेके आए हैं। हाँ, और क्या। हाँ चलो भाई, चलो कैब आ गई। हाँ जी आ गई। चलो फिर, चलो वो देखो बाहर खड़ी है सारे। तो बस गाइस अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं कि पहले कहाँ जाते हैं। हम पहुँच गए सिद्धि विनायक मंदिर गाइस, बहुत ज़्यादा दर्शन करने के लिए संगत है। हमने मुख्य दर्शन लाइन है। हाँ हाँ, ये मुख्य दर्शन लाइन है, वही जैसे शेड्यूल है मुख्य दर्शन है, तो कई लोग फटाफट मुख्य दर्शन करके चले जाते हैं, मगर हम जा रहे हैं अंदर। हम तो पहली बार ही आए हैं गाइस, अब आपको भी दर्शन कराते हुए। हमारे दर्शन हमें कितने अच्छे से हो गए ना। कान बंद करना होता ना, बस पहले हम सिद्धि विनायक मंदिर गए थे, दूसरा पॉइंट हाजी अली की दरगाह पे आए हैं। जी ना, ये भी फेमस स्पॉट है यहाँ का। तो हम कभी नहीं आए वहाँ पर। अपने दिल्ली में तो बहुत दरगाह में जाते हैं, जाते ही हैं पीर बाबा की दरगाह सब पे जाते हैं, पर यहाँ पर कभी नहीं आए। और मुंबई आओ और यहाँ ना आओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा सेकंड है, सेकंड पॉइंट पे भैया लेके आए हैं। तो अब आपको आगे मतलब जितना अंदर ना कैमरे चलाओ नहीं होते, तो जितना दिखा पाए क्योंकि कैमरे। मैंने आपको ना सिद्धि विनायक मंदिर की मैंने एक फोटो खींची थी अंदर, गणेश जी इतने प्यारे लग रहे थे, वो फोटो मैं ऐड करूँगी, जरूर देखना। आप जरूर दर्शन आपको भी हम कराएंगे गाइस। ये जो दरगाह बनी हुई है, ये देखो सारा पानी के अंदर है। ये देखो दरगाह तो बोल गाइस, पानी के अंदर है, आसपास सारा पानी ही पानी है, बहुत खूबसूरत, सारा पानी ही पानी है गाइस। वो दरगाह है गाइस, सही कहते हैं, पानी के अंदर बनी हुई है दरगाह। दरगाह हम पहुंच गए हैं, कंचन वगैरह आ गए हैं, टुकचीना भी आ गए हैं। बस अंदर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, ये सीढ़ी है, सीढ़ियों में सीधा अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो गाइस अगर हो सकेगा तो मैं आपको जरूर दर्शन कराऊंगा।
गेटवे ऑफ इंडिया में आ गए हैं हम यहाँ पर। ये भी एक देखो पिकनिक स्पॉट है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ भी, चीन कंचन बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, जैसे हमारे इंडिया गेट पे होता है। हाँ ये ताज देख देख ताज, अच्छा दादा ताज, ताज होटल, ये ताज होटल है। और वहाँ क्या है, वहाँ क्या है दीपू, अच्छा जहाज खड़े हैं वहाँ पर। हाँ ये भी बहुत क्राउड है यहाँ पर, ताज होटल और ये गेट ऑफ इंडिया। तो अभी हम आए गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव भी थोड़ा सा आगे यही है। अब गेटवे ऑफ इंडिया पे हम, अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया दिखाओ पीछे वाला। हाँ दिखा दिया मैंने, ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया के साथ ये शिप करिए, ये ऐसी हाफ एन आवर का टूर देंगे हमें और मतलब लेके जाएंगे, देखते हैं अंदर। टिकट ज्यादा नहीं है, 80 रुपए है, 80 रुपए में मतलब कि ये लोग 25 मिनट या आधा घंटा घुमाएंगे। सही है। हाँ तो सही है, इसमें खाना पीना सब है, चिप्स चुप्स हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पानी जूसेस। चलो अंदर बैठो भाई, ये वाली में बैठना है, डबल यही है, यही है, यही डबल डेकर कौन सा है। आओ फिर आओ, बस हम लोग बोट में बैठ चुके हैं, आते ही सबसे पहले खीरे खा रहे हैं। घर में खीरे खाओ ना खाओ, यहाँ खीरे खाओ, चीना करी मैं नहीं खा रही। अब हम आ चुके हैं, ये बांद्रा से पहले का पॉइंट है हमारा मरीन ड्राइव। यहाँ पे अभी तो हम ड्राइव पे गए नहीं, लेकिन हमने पहले ही पाव भाजी खा ली, वड़ा पाव मम्मी ने ऑर्डर कर दिया है, मम्मी के भेलपूरी खत्म हो चुकी है, गोलगप्पे खा चुके हैं, मम्मी कह रही दिल्ली जाके वड़ा पाव का काम खत्म है, जितने खा सकते हैं खा ले, और अच्छे भी होते हैं यहाँ के ना, है ही फेमस। और हर जगह देखे, हर जगह स्टॉल्स लगे हुए खाने के, छोटे 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 एक ही चीज है हर जगह, अलग अलग है सब, कोई बड़े पाव का मतलब तो यही है ना, वही वहाँ पे भी पानी पूरी। हाँ जो रात को था ना वही अब। और सबसे अच्छा इनको लगा है पानी पूरी यहाँ की, हर जगह की। हाँ पानी टेस्टी है, ये कैसा है। ये देखो गाइस, ये सीलिंग पे आ गए हम लोग, कितना सुंदर लग रहा है, रात को नजारा देखने वाला होता है, सारी लाइटिंग होती है गाइस, मगर अब तो धूप ही धूप है। सो गाइस हम कुछ ढूंढने गए थे बाहर, हमें लगा कुछ बहुत अच्छा ऐसा हैपनिंग से यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट में मतलब कुछ था ही नहीं। ये मार्केट वैसी नहीं है जैसे मतलब मुझे लगा तिलक वगैरह वाली मार्केट होती है, सब मिल जाएगा, बट ये मार्केट नहीं है, शायद अलग एरिया पड़ता है। यहाँ पे शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, बट वैसी नहीं जैसे स्ट्रीट फूड्स होती है ना, फूड मार्केट नहीं है। तो फिर हम घूम फिर के अपने होटल के रेस्टोरेंट में आ गए और यहाँ पे हमने 3 चीज़ें ऑर्डर कर ली। धीरे धीरे जब आएगी, नहीं 4, धीरे धीरे जब आएगी मैं तब बताऊँ। जिंदरी दी ड्रिंक मिला के चार, हाँ ड्रिंक मिला के चार, बढ़िया है, मेरे को तो सही लगा, ये तो बैठने के लिए भी ओके प्लेस है। सो गाइस हमारी 5 आइटम्स हो चुकी है, हमने मंगवाया था, इसने मेरे को बोला, मैंने ना जैसे मेन्यू खोला मॉकटेल का, कहती फ्रूट पंच, ये ना गाढ़े वाला आ गया, हमें लगा था जैसे पैशन फ्रूट होता ना उसके मतलब क्रशर, ऐसा होता है पैशन फ्रूट, तो ये मॉकटेल आएगा, लेकिन ये वो कुछ ये मॉकटेल आ गया, हमने सोचा था वही तो आएगा। हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा मेरे को लेकिन ये टेस्टी लगा, बट खाने के साथ नो, ये खाने के साथ थम्स अप। खाना आ गया, क्या आया है, आई थिंक स्प्रिंग रोल आया है, विल सर्व विल सर्व। बस रात को हम बैठे हुए सारे के सारे, अभी कंचन बैठे थे, उनकी मदर इन लॉ बैठे थे और दीपू बैठे थे, तो बातें बातें कर रहे थे, हम तो खाना खा के नीचे आ गए, नीचे खाना खा के, रेस्टोरेंट में ही नीचे खाना खाया, हंस रहे बच्चे, रेस्टोरेंट में ही नीचे खाना खाया, दाल खाई, आलू गोभी खाई और फुलके खाए, हम आ गए और बच्चों ने अपना, हमने भी दिखा दिया जो खाया, मैं भी दिखा दिया। अच्छा दिखा दिया, यस। बच्चे अपना अलग खाना खा रहे हैं, हम अपना अलग खाना खा रहे हैं, चाउमीन भूल गए कोई बात नहीं, चलो जो मर्जी खा लिया, जो भी खाया इन्होंने अपना अपनी मर्जी से खाया, हमने अपनी मर्जी से खाया, तो वो चले गए ऊपर, बच्चे मेरे पास है, ये बच्चे चीना के पास है, अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो देखो स्पीकर चला हुआ है, अभी मैंने बंद करवाया है, तो बस
आज का ब्लॉग यही एंड कर दो भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जिस ब्लॉग में होंगे हम गोकुल धाम सोसाइटी में फिल्म सिटी में। मैं हूं जो दया को वापस लाऊंगी इस शो में। हाँ। तो दया चली गई थी, ये वापस लाएगी, मैं खींच के लेकर जा रही हूँ। हाँ। दिल्ली में थी मेरी घर, साथ वाले घर में। कल हमारी रात की 9:15 की फ्लाइट है, तो कल हमारे पास सुबह सारा दिन है, हम घूमेंगे फिल्म सिटी जाएंगे। रात थी और हम होटल में है, तो और क्या क्या करना क्या है, आज सारा दिन घूमे थक गए हैं, सारा दिन घूम घूम के थक चुके हैं, मुझे और घूम के थकना था। हाँ कोई बात नहीं, थक के सो जा और सुबह उठेंगे, ब्रेकफास्ट हमारा नीचे है, ब्रेकफास्ट करके तो हम लोग घूमने चलेंगे, फिर यहाँ पर 6:30 तक आ जाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे, करने के बाद अपना निकल चलेंगे और अलविदा कर देंगे मुंबई को। अलविदा आपको भी गाइस। हाँ गाइस को भी अलविदा कर दो, बाय बाय करो भाई, आज तुम भी कर दो बाय बाय। तो कंचन के बच्चे भी बाय कर रहे हैं, चलो बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं फिल्म सिटी में।